तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के आरटीओ ऑफिस में। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मुझे तो आप देख ही सकते हो, मैं ठीक ही हूँ। और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है रोड से, जो कि रायपुर रोड है। मतलब अभी हम जो है रायपुर से थोड़ा पीछे और केसरवाला से थोड़ा आगे हैं। और साथ में मेरे साथ मेरी जेठानी, और नहीं, ये देवरानी है, ये मेरी देवरानी है और ये मेरी जेठानी है। तो अभी जो है हमारे साथ एक बहुत बड़ा पोपट हो गया है। एक्चुअली हमारा जो है सडनली कहीं जाने का प्रोग्राम बन चुका है। मतलब प्रोग्राम नहीं बना, मतलब जाना पड़ा हमारे काम से कुछ। तो वो काम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों जा ही रहे थे तो इसी बीच जो है दीदी और की स्कूटी का जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया है। बड़ी शर्म की बात है यार हमारे लिए कि हमारी गाड़ियों में पेट्रोल ही नहीं है। मतलब ड्राइवर हैं हम, नहीं ड्राइवर तो बोले, हाँ ड्राइवर हैं, लेकिन हमें गाड़ियों का इतना नॉलेज नहीं कि कितना पेट्रोल है कितना नहीं। तो मतलब इनकी गाड़ी का जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम किसी का वेट कर रहे हैं। पेट्रोल मंगवाया है हमने किसी से। तो और मैं नीचे पहुँच गई थी रायपुर में। दोस्तों पता है आपको, मैं रायपुर के पास पहुँच गई थी, वहाँ से मैं वापस आई। मैंने कहा चलो चलती हूँ, साथ में ही निकलना होगा है। तो चलिए दोस्तों पहले पेट्रोल भरवाते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। हमें ऋषिकेश जाना पड़ रहा है अचानक, तो मैं आपको वो बाद में बताऊँगी कि क्यों जाना पड़ रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा पेट्रोल भी आ गया है, देख सकते हो आप। क्या हुआ? वो तो गिरेगा ही, उसमें है ही वैसा वो सिस्टम। आ गया हमारा पेट्रोल, अब ऋषिकेश तक मत बढ़ाना, 200 रुपए की मोमो खाना। बहकी सभी जुबान है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब फाइनली इतना लंबा सफर तय करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। और ये कौन सी जगह? नटराज इंद्रमणि बड़ोनी। तो ये है नटराज चौक, इंद्रमणि बड़ोनी चौक करके। तो यहाँ देख सकते हो, अब ये चौराहा है। अब यहाँ से कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर। तो अभी हमें तो पता है नहीं कि यहाँ का। दोस्तों हमें जाना है आरटीओ ऑफिस, तो बता देती हूँ आपको। और पहले पूछ लेते हैं किसी से कि आरटीओ ऑफिस कहाँ पर है। तो चलिए पहले पूछते हैं। पूछ लिया? तो दोस्तों हमने पता कर लिया है और हमें जाना है इस तरफ, नीचे की तरफ। तो चलिए हम चलते पहले नीचे की तरफ, फिर मिलते हैं आपको। खोल दो, 1 किलोमीटर और आगे यही होगा सारे सामने। हाँ यू कहाँ पर? अब जो है गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। ओ बाबा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश के आरटीओ ऑफिस में और अभी हम चलते हैं अंदर। तो चलिए दोस्तों, चलो अन्न दिख रहे होता वह। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, और चलते हैं अंदर और देखते हैं कि हमने टेस्ट में पास होना कि नहीं होना। यह है पूरा आरटीओ ऑफिस ऋषिकेश का। पहुंच गए, अभी पहुंचे हैं अंदर, बट 10 मिनट हो गए। अरे तो गाइस जैसा कि आपको बताया कि आज हम आए हैं ऋषिकेश आरटीओ ऑफिस में। तो अभी जो है हमारा सारा काम हो चुका है और आरटीओ ऑफिस में हम इसलिए आए क्योंकि हमें बनाना है लाइसेंस। तो लाइसेंस की सारी कार्रवाई तो हमारी हो चुकी है, अभी हमने फ़ोटो भी खिंचा दी है और कागज़ वगैरह सब हमारे जमा हो चुके हैं। तो अभी हमारा टेस्ट है, तो हम टेस्ट के लिए वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। तो जैसे हमें वहाँ से बुलाया जाएगा तो हम टेस्ट के लिए जाएंगे। तो देखते हैं टेस्ट में क्या क्या आता है। तो चलिए अभी वेट करते हैं और टेस्ट होने तक वेट करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि आगे की क्या क्या कार्रवाई थी। मैं टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है मैडम। सही में बहुत टेंशन हो रही है, डर क्या आएगा। अभी हिंदी में करना है वही तो, एंड इंग्लिश में। और आप नर्वस हो रहे हो टेस्ट के लिए? जी हाँ। और ये देखो दोस्तों, यूट्यूब में वीडियो देख रही है कि मुझे टेस्ट में क्या क्या आएगा। रील बना तो भाई जो भी आएगा टेस्ट में देख लेंगे, मार लेंगे टिक। तो चलो वेट करते हैं अभी बैठ के, कॉन्फिडेंस से मानना सारे। सुबह देखिए अभी जो है हमारे टेस्ट हो गया है और हम टेस्ट में पास हो गए हैं। मेरे 15 में से 15 नंबर आए, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए दोस्तों, 15 में से 12 नंबर। और दीदी फेल, ए पास हूँ मैं, झूठ बोल रही है ये। और दीदी तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? 10 10। 15 में से 10 नंबर इनके आए, मैं पास हूँ। तुम्हारे कितने आए दीदी? पास हूँ मैं। कितने आए आपके? बता दी, मैं 15 में से 8 आए ना आपके, मुझे 15 नंबर आए। खाना कसम, 15 खाना कसम, माँ कसम, 15 में से 9 आए। तो दीदी के आए 15 में से 9 नंबर और फ्रेंड्स मेरे आए 15 में से 12 नंबर। तो भाई मुझे लग रहा है कि मैं खतरनाक ड्राइवर हूँ फिर। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारा आरटीओ ऑफिस में काम कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है हमारे पास थोड़ा टाइम है, 1 आधे घंटे का। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना त्रिवेणी घाट चला जाए। चलिए आप भी हमारे साथ
चलिए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में, तो अभी चलते हैं इधर से। और यहाँ से लेते हैं हम फूल, लाओ दो दे दो। तो गाइस हमने यहाँ से ले लिए हैं ये फूल, अगरबत्ती वगैरह। तो अभी चलते हैं गंगा जी में, तो पहले हाथ मुंह धो लेते हैं। जय हो गंगा मैया की। तो गाइस बहुत मेहनत हो गई, लेकिन ये धूपत के लिए नहीं चल रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। होगी बट हमारी तुम्हारी मम्मी ने ना मुझे माचिस भी दी, और आगे अच्छी हो। हां जो भी रिश्तेदार जाने वाली, देखिए दो ही तिल्ली है इसमें। जला दूं मैं अब? हां जला दो। दिखा बहन है, थैंक यू बेटा। देखो जला, जल गया, जल गया। अबे यार ये तो बुझ गया यार, फिर से देखो यहां पे, देखो अरे लाओ देखो। मैं कभी चंद में आ रहे पर ए फट भागे मरो, जा उंडी कर दीदी के साथ, दोनों दीदी एक साथ चलाने। हाँ, रुक जा। क्या बोल रहे? दोनों दीदी एक साथ भगाने वाले। अरे मणियाले से आज तो मेरा भूत जाएगा बेटा, तो आप छुपा के रख लेना। बुझ गया यार, क्या हो गया आज माँ का? अरे दीदी वाह। अबे यार हवा बहुत चल रही है ना, बंद हो गया क्या कैमरा? ना चल रहा है, आ रही आ रहा ना। हाँ अब आ रहा है। अरे आराम आराम से बदाम तो फूस चला तो नहीं। अच्छा सॉरी, कितनी हेल्प कर दी आपकी। नहीं समझ आ गया मुझे अब। अरे दीदी आपको चल नहीं रहा उतने देर से, वो कहाँ गया? हाँ हाँ ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, तू ऐसे ही रहे, सपा दिखाई दे रहा है सबसे खुदा भी। जल्दी ला दे पूरा फूल गला खराब बोल दे। पकड़ मत, पकड़ छोड़ छोड़। बढ़िया फूल गया, चला गया हमारा फूल। चल ले ले ओला, एक रुपए मंगवा ले। क्या बोला? पूजा अर्चना भी कर दी है। तो प्यारा सा मतलब यहाँ पे व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सुंदर सा है। वीडियो में लाई नहीं है तो दोस्तों अभी जो है फोटो शूट करवा रहे हैं। नौ सौ रुपये की आएगी, अगर वो वहाँ से हजार डेढ़ हज़ार की आएगी तब बोलेंगे लीनी लीनी करते रहेंगे फिर। तो कैसे अभी जो हमने यहाँ ऋषिकेश की शॉपिंग भी कर ली है ऋषिकेश से, और हमने ले लिया है ये कैरी बैग, ये देख सकते हैं आप, रिजनेबल प्राइस में 250 रुपये का। और यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे पर्स हैं, देख सकते हो आप। तो गाइस अभी जो है चलते 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 बहुत ज़्यादा थकाई लगी है, तो अभी हम रुके हैं भोपुर में। दीदी ये कौन सा पुल है? भोपुर का ही है ये, भोपुर का रास्ता है। हाँ भोपुरा का पुल। नहीं नहीं भोपुरा का पुल। तो दोस्तों ये भोपुर का पुल है, और यहाँ पर हम फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं। देख सकते हो आप, तो गाइस फाइनली अब जो है घर पहुंच गए हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों कितनी भयंकर थकाई लगी हुई है यार, मतलब आफत आ गई, कमर की बैंड बज गई। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।